Yeah.
Para, 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 para
हरिबोल। ब्लेस वृंदावन बिहारी लाल की जय।
आज के आनंद की जय। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का बहुत बहुत अच्छा दिन है। हमारे श्री उमा दीदी कहाँ है? उमा दीदी इसलिए बढ़िया। उमा दीदी और उनका परिवार लोगों ने घर में भक्त लोगों को बुलाया, बोले घर में कीर्तन हो, भगवान की कथा हो। इसलिए शंकर जी पार्वती को ये बात कहते, बोले पार्वती हरे कृष्ण। और लाइट चली गई, अब इन्वर्टर चल रहा था ना? नहीं, लाइट ही चल रही थी इन्वर्टर अभी बंद। हरे कृष्ण। तो इन्वर्टर खत्म हो गई ना? हरे कृष्ण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय राधारमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय गिरिधारी की जय बनवारी की जय गिरिधारी की जय बनवारी की जय बल कुंज बिहारी वृंदावन बिहारी लाल की। आज के
आनंद की जय जय श्री राम। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का बहुत बढ़िया दिन है, जो श्री उमा दीदी के घर में हम सबके सब भगवान की कथा और ये सत्संग के लिए हम सबके सब यहाँ पर उपस्थित हुए। इसलिए शंकर जी पार्वती को ये बात कहते, बोले पार्वती जगत में सब चीज की सुलभ है, लेकिन पार्वती एक चीज की बड़े दुर्लभता है। तो मैया पार्वती प्रश्न करती हैं, बोले प्रभु इस चीज की जगत में दुर्लभ है। कौन कह रहे हैं? ये शंकर जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? पार्वती को। अगर कोई एरे गेरे व्यक्ति कोई बात बोले ना, हम कहते अरे वो व्यक्ति का क्या महत्व है, हैं? लेकिन कोई बड़े व्यक्ति जैसे मोदी कोई बात को बोले, बोले भैया प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, जरूर इसमें कुछ दम है। इसलिए ये बात को कौन कह रहे हैं? शंकर जी कह रहे हैं। बोले बोल रहे हैं किसको? एरे गेरे व्यक्ति को नहीं बोल रहे हैं, जगदम्बा माँ जननी स्वयं पार्वती को ये बात कह रहे हैं। ये शंकर पार्वती की संवाद है, हैं? इसलिए कहते हैं माँ पार्वती कहती है, प्रभु आप कह रहे हो जगत में बड़ा दुर्लभ सत्संगति बड़ा दुर्लभ है, हैं? कहते सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एको बरा। बोले पार्वती जीवन में अगर सत्संग एक सेकंड के लिए भी मिल जाए, हैं? बोले एक सेकंड नहीं, बोले एक घड़ी आधी घड़ी और आधी से पुण्य आद तुलसी सत्संगत में नासे कोटि अपरा। इतने सत्संग की महिमा है शंकर जी कहते हैं। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती साधारण भाग्य से ये साधु संग नहीं मिलते हैं, साधारण भाग्य से ये सत्संग नहीं मिलता है। शंकर जी कहते पार्वती तेरे को पता है ये सत्संग सुनने के लिए मैं कितने कष्ट करता हूँ? तो पार्वती बोले कितने कष्ट करते हो? कहते अभी हम कथा कहाँ सुन रहे हैं, वो अगस्त ऋषि की चरण में बैठ कर सुन रहे थे, अगस्त ऋषि के आश्रम पर। शंकर जी आए कहाँ से? शंकर जी कहाँ रहते हैं? कैलाश में रहते हैं। बोले मैंने कैलाश से, फिर बैठ जाओ, कहते मैंने कैलाश से कथा सुनने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, कैलाश से सुनने के लिए। इसलिए जब शंकर जी को भी कहीं कथा सुनना हो, कहते शंकर जी कैलाश को छोड़ते हैं कथा सुनने के लिए। अब लोग कितना दूर से आए हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर, उससे तो ज़्यादा दूर से कोई नहीं आए, लेकिन शंकर जी पता नहीं कितने किलोमीटर दूर से ये सत्संग सुनने के लिए आते हैं शंकर जी। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती बड़े भाग्य से जीवों को ये सत्संग मिलता है। तो मैया पार्वती फिर प्रश्न करती हैं, बोले प्रभु ये सत्संग की क्या महिमा है? हम कहते हो सत्संगति दुर्लभ संसारा, कहते ये सत्संग की क्या महिमा है? तब शंकर जी कहते हैं, कहते मंजन फल देखई तत्काला कात होई पी का बकौ मरला। ये कौन कह रहे हैं? शंकर जी कहते, बोले पार्वती अगर सत्संग रूपी गंगा में कोई स्नान करते ही हैं क्या होता है? अब लोग कौवा कौवा को देखे कि नहीं? कौन कौन कौवा देखे? सब देखे हो। कौवा का रंग कैसे है? काला है। कहते अगर कौवा अगर कथा रूपी गंगा में नहाएगा ना, वो कौवा नहीं रह जाएगी, बोले जो कौवा है वो पीक बन जाएगा, मतलब वो कोयल बन जाएगी। देखना कौवा का रंग भी काली है लेकिन कोयल का रंग भी काला है। अब देखना अगर कौवा यहाँ बैठ कर का करने लग जाए ना, हम क्या कहते हैं? ए कब से का कर रहे हैं, कान दर्द हो गया। लेकिन बसंत ऋतु में जब कोयल जब कुहकती हैं, आप देखना कितने मीठी आवाज है, सुने कि नहीं कोयल की आवाज़, कितने मधुर आवाज़। शंकर जी कहते पार्वती अगर कोई सत्संग रूपी गंगा में स्नान अगर कौवा भी करे ना, वो कौवा नहीं रह जाएगा, कोयल बन जाएगी। बोले इसका मतलब क्या है? कभी जो संसार की बात है ना, इस कौवा की बात है। अब संसार में सब माताएँ बैठ जा, सब बैठ करके बैठ जा, बैठ करके आप बात करो, आज इसका घर में ये हो गया, कल उसका घर में ये हो गया, उसकी छोरी ऐसे कर दिया, उसको छोरा ऐसे कर दिया, उसको घर में ये विपत्ति, सब बैठ कर दुनिया की बात करो। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बहू से दुखी। देखना संसार की बात करो ना, थोड़ी समय दुनिया की बात करो, फिर देखना दुखी 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 हो जाओगे। लेकिन अगर भगवान की कथा सुनो,
ठाकुर जी कथा सुने तो क्या होता है, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि। भगवान की कथा सुने तो कहते सब दुख दूर हो जाता है। भगवान की कथा से जीवन का सारे क्लेश, जीवन की सब खत्म हो जाती है। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती का तो हुई पी कर बोले बकौ मराला। अब लोगों ने बगुला देखे होंगे, बगुला का रंग कैसे है, और हंस देखे हो, हंस का रंग कैसे है, सफेद है। शंकर जी कहते पार्वती अगर ये बगुला अगर गोता लगाएगा ना, वो बगुला नहीं रह जाएगा, वो क्या बन जाएगा, हंस बन जाएगा। बगुला मतलब क्या है, बगुला को देखे होंगे, वो देखना ना सब अपने कीड़े मकड़े को ढूंढता रहता है, खाता रहता है। लेकिन जो हंस है ये मानस सरोवर में रहता है, ये कमल का जो मधुओं को पान करता है। शंकर जी कहते पार्वती अगर ये बगुला अगर कथा रूपी गंगा में नहाएगा तो बगुला नहीं रह जाएगा, वो हंस बन जाएगा। मतलब ये दुनियादारी बात में रमा नहीं रहेगा, हंस जैसे मधुओं को कमल मधु का आस्वादन करता है, उसी तरह भगवान की कथा रूपी मधु में वो डुबकी लगाएगा है। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती साधारण भाग्य से ये सत्संग नहीं मिलती है पार्वती। तो पार्वती फिर प्रश्न करती है, कहते प्रभु फिर जीवन में किसको ये सत्संग मिलता है, जीवन में किसको ये सत्संग मिलता है। शंकर जी कहते पार्वती अति हरि कृपा जा पर होई पाव देह या संगत सो। पार्वती जिसको ऊपर में अति हरि कृपा, अति मतलब विशेष कृपा, डायरेक्ट जिसको ऊपर भगवान की डायरेक्ट कृपा हो जाए पार्वती, तभी ये जीवन में ये सत्संग मिलेगा, नहीं सत्संग नहीं मिलेगा। जैसे हमारे उमा दीदी ने जैसे घर में भक्तों को बुलाया, आप बताओ ये घर में कौन कौन आए हैं, इन्होंने जिन जिनियों को बुलाया वही आए। अगर इनका पड़ोसी में कोई रहता होगा ना दीवाल को पास में, अगर अगर ये निमंत्रण नहीं दिया होगा वो आया होगा या नहीं आया होगा। लेकिन भले ही थोड़ा दूर में कोई रहता होगा, लेकिन अगर बोले कि देखा हमारे घर में आना, अब लोग आए हो, आए कि नहीं, आए कि नहीं आए। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती बोले अति हरि कृपा जहाँ पर हुई है, जिसको ऊपर में ठाकुर जी की विशेष कृपा पार्वती हो, बोले पाप देह यह संगत सोई पार्वती, तभी जीवन में ये सत्संग जीवन में तभी मिलता है। बोले एक समय नारद जी का नाम सुने हो, एक समय नारद जी भगवान को पास में आए, बोले ठाकुर जी सारा दुनिया कहते सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग में बड़े लाभ है फायदा है हैं, इसलिए आप थोड़ी सी मेरे को बताओगे सत्संग की क्या महिमा है। कौन पूछ रहा है, कौन पूछ रहे हैं, किसको पूछे, भगवान से पूछे, बोले सत्संग की महिमा बताओ। तब भगवान ने कहा सत्संग महिमा समझना चाहते, बोले हाँ। बोले एक काम करो, तुम जंगल का उसी स्थान पर चले जाओ, देखना कि गिरगिट है, वो जो गिरगिट तुमको सत्संग की महिमा बताएगा। बोले ठाकुर जी ये गिरगिट क्या बताएगा, बोले जाओ ना जाकर वहाँ देखो। तो वहाँ पर सचमुच से गए, आप लोग गिरगिट देखे होंगे। तब उन्होंने पूछा ठाकुर जी आपको पास में भेजे सत्संग की महिमा बताने के लिए, आप थोड़ी सी सत्संग की महिमा बताओ। आप लोग गिरगिट देखे ना, गिरगिट ऐसे सर हिलाता है। उन्होंने एक बार पूछा, उसने सर हिलाया, दो बार तीन बार पूछे ना, देखा गिरगिट का शरीर वहीं पर छूट गया, वो झट करके वहीं शरीर छोड़ दिया और नीचे गिर गया। नारद जी वापस आए, बोले प्रभु आप बता रहे थे गिरगिट सत्संग की महिमा बताएगा, लेकिन वो गिरगिट तो पूछी थे गिरगिट शरीर छोड़ दिया, अभी पानी मतलब कहते ये गिरगिट ने शरीर छोड़ दिया, आप तो एक जीव को मेरे को हत्या करा दिया, आप बता रहे तो सत्संग की महिमा क्या बताएगा। इतने बोले प्रभु आप कृपा करके बताओ कौन बोलेगा। बोले एक काम करो, अमुक स्थान पर जाना कि तोता को देखोगे, तोता बताएगा। बोले प्रभु तोता क्या बोले, बोले जाकर पूछो ना। तो सचमुच से देखा कि तोता है, जब उसको भी उन्होंने एक दो तीन बार पूछा ना, तोता भी शरीर छोड़ दिया। फिर उन्होंने भगवान के पास में आए, बोले प्रभु ये तोता भी शरीर छोड़ दिया, दो दो व्यक्ति का हमने प्राण हमने नाश कर दिया, अब क्या बोलते हो आप बताओ। बोले एक काम करो, अमुक स्थान पर जाना एक बछड़े को देखोगे, ये बछड़ा तुमको सत्संग की महिमा बताएगा। बोले बछड़ा बताएगा, बोले हाँ। तो सचमुच से गए, देखा एक बछड़ा जन्म लिया। जन्म लेते उन्होंने पूछा भैया सत्संग की क्या महिमा, एक द्वार पूछते ना बछड़ा भी शरीर छोड़ दिया। बोले ये क्या हो रहा है, जिसको पास में जाए वही शरीर छोड़ दे। बोले प्रभु ये क्या कर रहे हो, बोले अंतिम बार तुम जा और तुमको भेजूंगा नहीं।
देखा अमुक स्थान पर जाना, एक राजा का एक बेटा हुआ होगा, वो बेटा ने तुम्हें सत्संग की महिमा बताया, बोले बेटा बताएगा, बोले हाँ सचमुच से जब उन्होंने गए देखा राजा के एक बेटा, सुंदर बेटा जन्म लिया, तो उन्होंने गए बोले ठाकुर जी आपको पास में भेजे सत्संग की महिमा बताने के लिए, एक दो तीन बार जो बोले ना वो बेटा तो रोना शुरू कर दिया। नारद तो डर गए क्योंकि उसको पहले तीन तीन प्राण ने शरीर छोड़ दिया। नारद जी सोच रहे अगर राजा का बेटा मर जाएगा ना फिर क्या होगा, राजा तो सीधा में जेल में डाल देगा है। वो बच्चा रोना जब शुरू कर दिया नारद तो वहां से भगे। जब नारद जी वहां से भगे इतने में नारद जी भगते ही वहां के जो दासियां था ना नौकर लोग राजा के पास में भागते भागते गए, बोले महाराज जल्दी आओ। बोले क्या बात है, बोले आपका जो बच्चा था ना, अब देखना अब लोग तो बच्चे को जन्म दिए कि नहीं, देखना बच्चा जब जन्म लेता है वो रोता है, अगर अब बच्चा नहीं रोता है ना पूरा परिवार उसके लिए रोना पड़ता है, सुने कि नहीं, बोले बच्चा अगर जन्म समय में नहीं रोता है अब देखना उसको मार मार करके उसको थपथप लगा कर उसको रुलाते हैं, क्यों, अगर बच्चा अगर जन्म समय में नहीं रोता तो गूंगा बनेगा बच्चा, वो बच्चा गूंगा बन जाता है, इसलिए बचपन से उसको पता चल जाता है कि गूंगा बनेगा ना सही बनेगा, वो बच्चा जन्म होते ही गूंगा था। लेकिन जब नारद जी जब वहां पर गए, नारद जी संत हैं, भगवान के संत, भगवान जिसके हृदय में रहते हैं, लेकिन वहां पर जाते ही जो गूंगापन था ना वो नारद जी को दर्शन करते गूंगापन खत्म हो गया, उसने रोना शुरू कर दिया। जो रोना शुरू गए तो राजा को बुलाए, बोले महाराज जल्दी आओ, बच्चा रोना शुरू कर दिया मतलब वो जो गूंगा था ना वो गूंगापन खत्म हो गया सही हो गया। बोले हुआ तो हुआ कैसे, बोले इसे नारद जी आए थे, जब वो नारद जी को दर्शन करते ही रोना शुरू कर दिया, बोले जल्दी नारद जी को बुलाओ, तब भागते गए, बोले बाबा रुको। नारद तो डर गए, बोले हे भगवान हो गया काम, लगता है बच्चा मर गया होगा, सोचे कि बाबा आते ही मर गए और ये बच्चा कैसे है, ये बाबा कैसे है, नहीं तो मर गया। फिर उनको बुलाए, जब आए तब राजा उनको सिंहासन में बैठा करके उन्होंने प्रणाम किया, बोले बाबा बच्चा जन्म से ही गूंगा था लेकिन आपको दर्शन करते उसका गूंगापन खत्म हो गया, आपका आशीर्वाद से बच्चे को आप आशीर्वाद दो। तो इतने में जो छोटा बच्चा था ना, तब नारद जी को बोला, नारद जी मेरे को पहचानते हो, बोले कौन हो आप, बोले आप ठाकुर के पास में गए थे ना सत्संग की महिमा को समझने के लिए, बोले हाँ, बोले जब आपको गिरगिट को पास में भेजा था मैं वही गिरगिट था लेकिन जब मैं आपको दर्शन किया दर्शन मात्र से ही मेरा जो गिरगिट शरीर छूट गया, छूटते ही मैं दूसरे जीवन में थोड़ा अच्छा जीवन मिला, कौन सा जीवन मिला, मेरे को तोता की जन्म मिली, फिर आप आए, फिर मैंने जब आपको दर्शन किया तोता शरीर मेरे छूट गए, छूट करके फिर तीसरे जीवन में मैंने बछड़ा रूप में जन्म लिया, कहते ना गैया की एक एक जो लोम है वो एक लोम नहीं एक एक देवता है, कहते गैया को शरीर में 33 करोड़ देवता की निवास है, 33 करोड़ देवता की निवास, उनका जो पायखाना जो पैसा में लक्ष्मी सरस्वती का निवास है, इसलिए फिर मैंने बछड़े जीवन में, कहते हैं जो गैया जीवन है ना उसको बाद में जीव को इंसान का जीवन मिलता है, हैं गैया जीवन के बाद में इंसान जीवन मिलता है, इसलिए मैंने बछड़े रूप में जन्म लिया लेकिन आपको दर्शन मात्र से ही मेरा सारे कर्म बंधन खत्म हो गया, सारे मेरे पाप खत्म हो गया, हो करके फिर मैंने राजा का बेटा रूप में जन्म लिया, लेकिन राजा का बेटा रूप में तो जन्म लिया लेकिन पूर्व जन्म का ऐसे कर्म फल था जिस वजह से मैं गूंगा बना हुआ था, लेकिन जब आप आए जब आपको दर्शन किया दर्शन करते मेरे गूंगापन खत्म हो गया, मेरा मोह खुल गया है, इसलिए ये साधु संघ की महिमा है। इसलिए भागवत में बताया जैसे सूरज उदय होने पर क्या होता है सारे अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह सत्संग से ये भगवान स्वयं कहते पुंस अखनो सबितुर जथा, जैसे सूर्य उदय होने पर सारे उजाला उजाला हो जाता है, उसी तरह हमारे हृदय में जो अज्ञान है कहते अज्ञान दूर कैसे होता है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिनो सत्संगे विवेक ना होई राम कृपा बिनो सुलभ नास, कहते बिनो सत्संग विवेक ना होई, जब तक हमारे जीवन में सत्संग नहीं हो तब तक हमें ज्ञान नहीं मिलता है, कहते राम कृपा बिनो सुलभ नास होई, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं हो ना, जब तक ठाकुर की कृपा नहीं हो तब तक जीवन में ये सत्संग भी नहीं मिलता है,
इसलिए हनुमान जी को साथ में जब विभीषण का मुलाकात हुई, विभीषण का मुलाकात हुई, जब विभीषण को पता चला हनुमान जी कौन है, राम के सबसे प्रिय भक्त, स्वयं विभीषण कहते हैं, कहते आज मैं भा भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा बिना मिले ही नहीं सकता। आज लगता है मेरे ऊपर में भगवान राम की कोई कृपा हुई है, आशीर्वाद हुई। मैं कहाँ रह रहा हूँ, लंका। लंका में कौन रावण रहता है, चारी तरफ में जो राक्षस में घिरा हुआ हूँ, राक्षस को बीच में मैं घिरा हुआ हूँ। कहते इंसान को तो पाते ही जैसे हम नाश्ता करते ना ऐसे खा जाते हैं, हैं? लेकिन ये चारी तरफ में राक्षस, राक्षस चारी तरफ में, लेकिन उसको बीच में अब भगवान राम के सबसे प्यारे भक्त हनुमान जी। मैं तो कभी सोच नहीं सकता था हनुमान जी को ये बीच में कहीं दर्शन होगा। लगता है मेरे सारे कर्म बंधन खत्म हो गया, मेरे को प्रभु राम जल्द से जल्दी हमें, प्रभु राम जरूर हमें मिलेंगे जल्द से जल्दी। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती सत्संगति दुर्लभ संसारा, संसार में जो सत्संग है बड़े किस्मत वालों को मिलता है। इसलिए ब्रह्मा जी भागवत में भगवान को स्तुति करते करते एक स्तुति कर रहे हैं। देखो ये श्लोक को हो सकते तो याद कर लेना, ये श्लोक अगर तुमको याद रहेगी ना, अगर जीवन में कोई विपत्ति आए तो आप कभी प्रभु का भजन नहीं छोड़ोगे। हमारे जो गुरु जी का जो गुरु जी जो प्रभुपाद थे, विश्व में जिसने सनातन धर्म को प्रचार किया प्रभुपाद, इस्कोन का नाम सुने हो, इस्कोन, उनका जो गुरु जी थे, जो स्वामी महाराज का जो गुरु जी थे, क्योंकि उनका बहुत सारे भक्त थे। अब देखना भक्ति करते हुए समय में कभी ना कभी संसार में थोड़ी सी अनहोनी इधर उधर हो जाती, कभी कभी जीवन में बैठा सोचा बैठो इधर उधर देखता, इसलिए कभी कभी देखना भजन करते करते जीवन में थोड़ी बहुत कोई विपत्ति आ जाती है। आने पर क्या होता है, कभी कभी हमारा मन डामाडोल सा हो जाता है, भक्ति के लिए मन डामाडोल सा हो जाता है। तो प्रभुपाद के पास में सब गृहस्थ लोग पत्र लिखते थे, प्रभुपाद हमारा जीवन में ऐसा आया, जीवन में ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। प्रभुपाद अक्सर करके ये श्लोक को कोटेड करके उनको पास में भेजते थे, बोले देखे बेटा ये ब्रह्मा ये श्लोक कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन है? जगत को सृष्टि करने वाले ब्रह्मा कह रहे हैं। ये श्लोक को हो सकता है याद कर लेना, याद करोगे तो कभी प्रभु का भजन नहीं छोड़ोगे। भले ही दुनिया छूटेगा लेकिन प्रभु का भक्ति नहीं छूटेगा। देखो क्या कहते हैं, बोले तत्व अनुकंपा सुमिक्ष समान भुंजामि एवात्म कृतम विपाकम विदधन नमस्ते जो जिबे तस मुक्ति पद दायवा। मतलब है जीवन में कौन सा व्यक्ति प्रभु को प्राप्त कर सकता है, जीवन में ठाकुर जी के चरण को कौन प्राप्त कर सकता है, ये श्लोक में ये बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते जीवन में वही व्यक्ति प्रभु को प्राप्त कर सकता है, कहते जीवन में जो कुछ आए कभी दूसरों के ऊपर में दोष मत लगाया करो, उसकी वजह से हो गया, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, कभी किसके ऊपर दोष मत लगाओ। ब्रह्मा जी मना करते हैं, उदाहरण देता है, आप लोग रसोई बनाते हो घर में? कौन कौन बनाते हैं? सब रसोई बनाते हो। देखना कहीं पर आपने मसाला रखा, कहीं पर चावल रखा, कहीं हल्दी रखा, कहीं घी रखा, कोई तेल रखा, आप देखना जहाँ जहाँ पर जो चीज़ आप रखा है, जब आप हाथ लगाओगे कौन सा चीज़ आएगा? जहाँ पर हल्दी रखे हो हल्दी वहीं से आएगा, जहाँ पर तुमने चावल रखे अगर हाथ लगाओगे तो वहाँ क्या आएगा? पर चावल ही आएगा। जहाँ पर तुमने मसाला रखा हाथ लगाओ तो क्या आएगा? मसाला आएगा। क्यों? तुमने जो चीज़ जहाँ पर रखे हो, जब तुमने रखा वो चीज़ को, किसने रखा? तुमने रखा, इसलिए तुम्हें पता है कौन सा जगह पर क्या क्या चीज़ तुमने रखा हुआ है। जब तुम हाथ लगाओगे ना वहाँ पर वही चीज़ आएगी, वहाँ पर अलग चीज़ कहीं नहीं आएगी। जैसे तुम बीज बोओगे, अगर आम की गुठली अगर बोओगे वहाँ कौन सा पेड़ आएगा? अगर लीची की गुठली बोओगे तो कौन सा पेड़ आएगा? अगर चीकू का बीज बोओगे तो कौन सा आएगा? चीकू आएगा, क्योंकि हमने जो बीज बोए हैं वही वृक्ष आएगा, वहाँ पर कोई दूसरे वृक्ष नहीं आएगी, क्योंकि तुमने वो बीज को बोए हो, तुमने है तुमने वो बीज को बोए। कभी कभी हम कहते भैया हम तो किसकी अमंगल के बारे में कभी सोचते नहीं, हम सबका मंगलों के बारे में सोचते हैं, सोचते ही कि नहीं, हम तो किसका कुछ बुराई किए नहीं। कभी कभी ये होता है लोग कभी कभी कन्फ्यूज में हो जाता है, फिर हम तो क्या नहीं, हमारे जीवन में ऐसे क्यों हुआ, हमारे जीवन में हम तो प्रभु का नाम ले रहे हैं, प्रभु का भक्ति कर रहे हैं, ठाकुर की इतना पूजा कर रहे हैं, ये ब्रह्मा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये ब्रह्मा कह रहे हैं, पर ये जीवन में आता है क्यों है, आता है क्यों? देखो एक मैं प्रश्न करता हूँ उसको उत्तर देना। जैसे कि ड्रम है, अब पहले देखना
जब घर का गेहूं होता था ड्रम में रखा करते, रखते थे कि नहीं, ड्रम में रखते थे, उसको नीचे एक होल होता था, जितना तुमको गेहूं निकालना ना जितना जो वहीं से निकालते थे। माना इसी साल में तुमने गेहूं की खेती की, लेकिन गेहूं का जो खेती में वहां पर गेहूं बढ़िया खेती नहीं हुई, वहां पर छोटे छोटे दाना आए, उसको उसमें डाल दिया छोटे दाना को। नेक्स्ट साल में जब तुमने फिर गेहूं की खेती की, वहां पर बहुत बढ़िया गेहूं हुई और दाना इसकी बड़ी बड़ी आई। जब उसको ऊपर में फिर डालोगे, उसको फिर डालते ना, जब नीचे निकालोगे कौन सा गेहूं निकले? क्यों, अपने तो ऊपर से बड़े गेहूं डाले ना। हाँ, पिछले साल का देखो, ये चीज को ब्रह्मा जी समझा रहे हैं। अभी तो दिखाई पड़ता है भजन करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कौन सा हमने पहले जन्म में क्या कर्म किया, हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है सब बात को, ये बात पता नहीं, सिर्फ ब्रह्मा जी बात को करे। इसलिए ब्रह्मा जी कहते, देखो वही व्यक्ति प्रभु की चरण को प्रीति व भगवत चरण को वही प्राप्त कर सकता है। जीवन में जो कुछ है ना, हंसते हंसते भोग लो, हंसते हंसते भोग लो, दुखी मत हो, लेकिन प्रभु का जो भजन है ना, ब्रह्मा जी कहते प्रभु का भजन मत छोड़ो। मीरा का नाम सुने हो? कौन कौन मीरा का नाम जानते हो? सुने हो? जीवन में उसकी कितने कष्ट नहीं आया बताओ, उसको पति उसको मारने के लिए राणा ने भेजा जहर के प्याला, लेकिन वो तो प्रभु को भोग लगाए बगैर कुछ खाती नहीं। उन्हें ठाकुर जी के चरण में उन्हें जब अर्पण कर दिया, जहर क्या बन गया? अमृत बन गया जहर, हैं अमृत। उसको फिर मारने के लिए सांप भेज दिया, उसको काट डाले, लेकिन जब उसने ठाकुर को भजन कर दी थी, फिर सांप क्या बन गया? सांप ने क्या बन गया? सालग्राम बन गया। देखो मीरा ने ऐसे भजन की, इतने विपद है जगत में, किसका नाम अभी हो रहा है? मीरा का नाम हो रहा है ना, सारा दुनिया मीरा की जय जयकार कर रहे हैं। क्यों? जीवन में जितने बाधा विपत्ति आई, सारे बाधा विपत्ति को सम्मुखीन करते हुए उन्होंने प्रभु का भजन किया। अपने प्रहलाद का नाम सुने, कौन कौन जानते हो प्रहलाद का नाम? बोलो कौन कौन, हाथ उठा, सब जानते हो। उसको पिता उसको मारने के लिए कोशिश किया, ये आश्चर्य की बात है, पहाड़ का ऊपर से फेंक दिया, लेकिन ठाकुर जी गोद में ले लिए, अग्नि को बीच में बैठा दिया, अग्नि को बीच होलिका की गोद में बैठा दिया, लेकिन प्रभु का भजन कर रहे थे। अग्नि उल्टा, जो उसका बहन की वरदान थी ब्रह्मा जी को, जे इसको अग्नि टच नहीं करेगा, लेकिन अग्नि में उसकी बहनी खत्म हो गई, लेकिन प्रहलाद खत्म हुआ। उसको फिर सर्पों का मुंह में डाल दिया, फिर हाथी की प्यार को नीचे रोंधाने के लिए कोशिश की, लेकिन उन्होंने कितने कोशिश की मारने के लिए, लेकिन मार पाए, लेकिन नहीं मार पाए। लेकिन जगत में किसका नाम हो रहा है? भागवत में अमर अक्षर में प्रहलाद का नाम अमर अक्षर में लिख गए। हरिदास ठाकुर का नाम सुने होंगे, जिनकी 22 बाजार में पिटाई, मुसलमान ने पिटाई किया। क्यों? तुम क्यों ये हरे कृष्ण नाम क्यों जप कर रहे हो? हरे कृष्ण नाम छोड़ दो। बोले भैया, अगर शरीर को बोटी बोटी कर काट डालोगे, लेकिन हम प्रभु का भजन नहीं छोड़ेंगे। देखो पुराण में भागवत में इनका नाम अमर हो गया। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं जीवन में जो कुछ आए, देखो अब एक प्रश्न करता हूं, उत्तर दो। जीवन में हम पाप को नष्ट करना चाहते ना पुण्य नष्ट करना चाहते? अच्छे तरह समझे चीज को, क्या नष्ट करना चाहते हो? पुण्य नष्ट करना नहीं चाहते ना? हम जगत में हम किसको नष्ट करना चाहते? पाप करना पुण्य को? ठीक से ध्यान, अच्छे तरह से बोलो, हम पाप नष्ट करना चाहते हैं पुण्य नष्ट करना चाहते हो? पाप। जगत में कोई पुण्य नष्ट करना नहीं चाहते, लेकिन पाप कैसे नष्ट होता है? वो भोगा करके पाप नष्ट हो जाता है। अगर भोगा करके नष्ट हो रहे, मतलब है आगे हमारे जीवन अच्छा जीवन आने वाला, हमारे सारे पाप खत्म हो रहा है। इसलिए जीवन में हमारी खुशी वाली जीवन आएगी, आनंदमय जीवन आने वाले हैं, क्योंकि हमारे जीवन का सारे पाप नष्ट हो रहे हैं। इसलिए पितामह ब्रह्मा जी ई भगवान को स्तुति कर रही है, श्लोक है, बोले हे प्रभु, जो जीवे थे सब मुक्ति पद दाय भाग। उदाहरण दिया, जैसे एक पिताजी की बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारी संपत्ति है, पिताजी की बहुत बड़ी संपत्ति, उसका कोई बेटा है, लेकिन वो बेटे को संपत्ति कब मिलेगा? बेटा जब जिंदा रहेगा तभी तो संपत्ति मिलेगी ना। पिता जब बेटे को संपत्ति कब मिलेगी? जब बेटा जिंदा रहेगा तब संपत्ति मिलेगी। अगर बेटा अगर जीवन में अगर बीच में शरीर छूट गया, पिताजी का संपत्ति उसको क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, हमारी असली पिता कौन है? कहते ना, तुमैव माता च पिता, तुमैव तुमैव बंधुश्च सखा, तुमैव तुमैव विद्याम द्रविण, तुमैव तुमैव सर्वम। हम बोलते ना ठाकुर जी को,
ठाकुर ही हमारी असली पिता है, वही हमारी माता, वो अनंत संपत्ति के अधिकारी, वो आनंद स्वरूप है, वो प्रेम स्वरूप, वो भक्ति स्वरूप है। लेकिन उनका प्रेम भक्ति मिलेगा कब? जब जिंदगी और प्रभु के चरण में भक्ति करते रहेंगे, प्रभु का हम प्रेम करते रहेंगे, तभी तो पिताजी की संपत्ति हमें मिलेगा ना। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु तब भी व्यक्ति आपकी प्रेम को भक्ति को तभी प्राप्त कर सकता है जो जीवन में जो कुछ आए हंसते हंसते उसको भोग कर लो, लेकिन प्रभु की भजन का मत छोड़ा करो, प्रभु की भक्ति मत छोड़ा करो। तभी बच्चे को संपत्ति मिलेगा जब पिताजी की सेवा करेगा और जिंदा रहेगा। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी हमारे जो गुरु जी के जो गुरु प्रभुपाद थे, अगर कोई चीज आता था उन्होंने ये श्लोक लिख करके भेज देते थे, बोले देखो ये ब्रह्मा जी इसमें क्या बोल रहे हैं, ये चीज को ध्यान दे करके सुना और स्मरण करो और भगवान की भक्ति करते रहो, भगवान की प्रेम करते रहो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर भक्ति करते करते अगर कोई दुख आता है क्या समझो, ये समझो जीवन में कोई बड़ा हमें अनहोनी था, ठाकुर ने हमें थोड़ी सी दंड दे करके हमें छोड़ दिया, ये चीज समझो। वो चीज को अनुकूल रूप में लो, प्रतिकूल रूप में मत लिया करो। जैसे हम कथा सुनाते ना, इसमें दो भाई थे, एक भाई तो खूब नास्तिक भजन करता ही नहीं, और एक भाई खूब भजन कर दिन भर ठाकुर को भक्ति करता। अभी जो भाई भक्ति नहीं करता है, जो भक्ति करता था वो खिली उड़ा, बोले दिन भर क्या माला लग रहा, हरे कृष्ण कोई काम धाम है नहीं, और ये पत्थर को सामने बैठी करके हैं किन दिन भर क्या ध्यान लगाते हो, उसको खिली उड़ाए। एक दिन क्या हुआ, दोनों भाई का निमंत्रण आया, दोनों भाई जब जा रहे थे, जाते जाते क्या हुआ, जो भाई भजन नहीं करता था उसको एक सोने की मोहर मिल गया। बोले देखा तू इतने राम राम कृष्ण कृष्ण करते हो, तेरे को तो कुछ मिला नहीं, मेरे को सोने की मोहर मिला। उसने देखा भाई बात सही है, लेकिन जब थोड़ी दूर गए ना, जो भजन करता था लोहे की इतना बड़ा कि सीख उसको प्यार में चुभ गया और खून बहने लग गया, अब उसको तो मौका मिल गया। बोले क्या देख लिया, तो इतने प्रभु का भक्ति भजन करते हो, तेरे को मिला क्या प्यार में तुमको, है लोहे की सीख गड़ गया खून बह रहे, और देखो मैं भक्ति करता है नहीं, देखो मेरे को सोने की ढेला मिल गया। मैंने देखा बात सही बात है, ये तो गलत है नहीं सही बात। वो तो दुखी हो गया, दुखी होकर के ठाकुर को बोले, ठाकुर जी दिन भर में तेरे नाम लेता हूँ, भजन करता हूँ, भक्ति करता हूँ, तू ऐसे मेरे को सबके सामने अपमान करते हो, मेरे को तुम अपमान करते हो जो ऐसे बोले ना। इतने में आकाश बाणी हुई, बोले बेटा सुन ले, तू ये मत समझो जो प्रभु की भक्ति करते हैं उनको जीवन में दुख मिलता है, जो भक्ति नहीं करते उसको सुख मिलता है। तुमको पूर्व जन्म की बात पता नहीं, सुन लो ध्यान दे करके। भगवान ने कहा देखो, पूर्व जीवन में जो जिसको एक सोने की ढेला मिला है, ये पूर्व जन्म में इतने दान इतने पुण्य उसने किया, आज का दिन उसको राज दरबार में राज सिंहासन में उसको राजा बनने का था, लेकिन चूंकि मेरी और मेरे भक्तों को निंदा करता है, चुगली करता है, इसलिए मैंने सारे पुण्य उसको खत्म कर दिया। खत्म करते हुए सोने के एक ढेला देकर बोले, इतना लेकर जा, तेरी बात सुन ले, तो पूर्व जन्म में मर्डर तुमने किया था, मर्डर करने का नाते आज का दिन राज दरबार में तेरे को फांसी झूलने का था, चूंकि तुम मेरे भजन करते हो मेरी भक्ति करते हो इसलिए मैं तुमको इतना बड़ा सजा नहीं दिया, दंड नहीं दिया। लास्ट में प्यार में केवल एक लोहे की सीख गड़ा करके थोड़ा खून लगाकर तुमको छोड़ दिया, मैं तुमको छोड़ दिया है, ये समझो। इसलिए ये मत समझो जो भक्ति करते हैं उनको दुख आता है और जो भक्ति नहीं करता बड़े सुख में, नहीं ऐसे ऐसे बता, ऐसे बात मत समझा करो। इसलिए कोई चीज जीवन में आती है, ये चीज को अनुकूल रूप में लो, उसको प्रतिकूल रूप में हमें नहीं लेनी चाहिए। कौन, ये ब्रह्मा स्वयं ये बात को, ब्रह्मा जी ये बात कह रहे हैं। इसलिए बोले जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन को, भगवान जिस अवस्था में हमें रखते हैं वो अवस्था को समझो, ये भगवान की बड़ी कृपा है। ये समझ करके क्या करो कि जीवन में प्रभु की भजन करते रहो, प्रभु की भक्ति करते रहो। आप बोलो भैया भक्ति तो बड़ा कठिन चीज है, कोई बोले ना प्रभु का भक्ति तो बड़ा कठिन,
तब यहाँ कहते नहीं, भक्ति जगत में सबसे सरल अगर कोई रास्ता हो तो प्रभु का प्रेम की मार्ग है, प्रभु का भक्ति मार्ग जगत में सबसे सरल है, इससे सरल तो दुनिया में और कुछ नहीं। इसलिए हम जो कर रहे हैं वही करें, अलग कोई करने का जरूरत नहीं, हम जो कर रहे हो ना वो वही काम को करो, अलग कोई ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है। जो खा रहे हो, जो रोसी बना रहे हो, जो कुछ कमा रहे हो वही करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। लेकिन क्या करो, केवल ये भाव को केवल बदला दो। हम कहते ना भगवान भाव ग्राही जनार्दन, भगवान केवल भाव की, ठाकुर जी केवल ठाकुर जी प्रेम की भूखे हैं, भाव की भूखे हैं। इसलिए भागवत में बताए, कहते काय न बाचा मन साध्रिय बा, कि जगत में हम जो कुछ काम करते हैं एक शरीर से करते हैं, एक मन से करते हैं और एक कर्म से करते हैं। काय, शरीर, मन और वाणी, ये तीनों को द्वारा जो कुछ करते हैं तीनों को द्वारा करते हैं, घर में जो काम करते हैं। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं जो करते हो वो सब कुछ भगवान के लिए करो। वो कुछ क्या, किसके लिए करो, वो भगवान के लिए करो। बगैर पैसा के तो कुछ होगा नहीं, पैसा लक्ष्मी है, पैसा तो लक्ष्मी है ना, पैसा के बगैर कुछ तो होगा नहीं। खूब पैसा कमाओ, जैसे उमा दीदी घर पर पैसा नहीं होता तो इतना लोगों को थोड़ी बुला दे घर में, तभी तो है। तो पैसा के बगैर कुछ होगा, लक्ष्मी के बगैर तो कुछ होता ही नहीं। लक्ष्मी, लक्ष्मी को देखना हर समय लक्ष्मी हाथ ऐसे करके बैठी रहती, लक्ष्मी के बगैर कुछ नहीं होता है। खूब लक्ष्मी कमाओ, लेकिन ये चीज को याद करके कमाओ, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी किसकी है, लक्ष्मी हमारी नहीं है, लक्ष्मी नारायण की। अगर नारायण की सेवा के लिए अगर लक्ष्मी को कमा रहे हो, फिर लक्ष्मी को कहते दो वाहन है, लक्ष्मी की कितने वाहन है, क्या क्या है। हाँ, आप लोग सब पंडित हो गए, इसलिए एक उल्लू है और एक गरुड़ है। आप देखना उल्लू के ऊपर में लक्ष्मी को देखोगे, अकेली बैठते हुए देखोगे। अगर हम लक्ष्मी को घर में बुलाए, लेकिन अगर अकेली लक्ष्मी को बुलाए ना, ठाकुर को सेवा के लिए नहीं बुलाए, फिर तो लक्ष्मी उल्लू को पीठ पर बैठ के जाती है, फिर हमें उल्लू बनाती है। लेकिन अगर लक्ष्मी को बुलाओ घर में, बोले क्यों, लक्ष्मी नारायण की, बोले माँ लक्ष्मी आओ, बोले क्यों, बोले तेरे बगैर ठाकुर का सेवा कैसे होगा, तेरे बगैर ठाकुर का सेवा कैसे होगा, तुम्हारे द्वारा तो ठाकुर का सेवा करेंगे। फिर देखना लक्ष्मी को, अब देखना गरुड़ के ऊपर में लक्ष्मी कभी अकेली नहीं बैठते देखोगे, और नारायण को साथ में बैठती है। मतलब है जो लोग लक्ष्मी को घर में बुलाते हैं ठाकुर को सेवा के लिए, लक्ष्मी उल्लू के ऊपर बैठ करके नहीं आती, गरुड़ के ऊपर। मतलब गरुड़ कहाँ पर, देखना जितने भगवान के मंदिर देखोगे ना, जितने भगवान विष्णु के मंदिर देखोगे वहाँ पर गरुड़ जी है। कहते वो घर को क्या बना देती हैं, भगवान का धाम, गोलोक वृंदावन, बैकुंठपुरी बना देती हैं। जिस घर में जो कुछ रोसी बने सब कुछ अगर ठाकुर जी की सेवा में लगा कर अगर ग्रहण करे तो वो घर घर नहीं, कोई घर ही वृंदावन है। खूब पैसा कमाओ, बड़े सुंदर घर बनाओ, देखो उमा दीदी ने घर अच्छा घर बनाए, लेकिन ये घर जो बनाए हो घर का मालिक कौन है, घर का मालिक कौन है, ठाकुर जी। घर सुंदर बनाओ, क्योंकि हम भगवान की मंदिर बना रहे हैं ना, घर नहीं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं यदि न गृहे भजन देखी गृह ते गोलोक भाई, जिस घर में सबके सब बच्चे भजन करे ना, कभी वही घर ही वृंदावन धाम है। इसलिए घर बढ़िया सुंदर बना बोले क्यों, बोले ठाकुर जी का मंदिर बना रहे हैं ना, ठाकुर जी की मंदिर बना रहे हैं। इसलिए घर में झाड़ू लगाओ, लेकिन कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, भगवान की मंदिर में। जैसे गोपियाँ, गोपियाँ भी गृहस्थ थी, गोपियाँ कोई त्यागी साधु नहीं थी गोपियाँ, ये गोपियाँ भी गृहस्थ में घर आती थी, सब के सब घर में रहती थी, लेकिन ये हाथों में तो सेवा करती थी, जो कुछ करती थी हाथों में सेवा करती थी। घर में झाड़ू लगाओ तो कृष्ण को ही बुलाते बुलाते गोविंद दामो धर्मा झबेती, गोविंद दामो धर्मा झबेती, गोविंद दामो धर्मा झबेती, गोविंद दामो धर्मा झबेती। इसलिए भगवान के नाम को ले लेकर के घर के झाड़ू लगाती थी, इधर दधि मंथन करती थी, हैं दधि मंथन करते करते बोल हे कृष्ण हे जा दब हे सखेती, गोविंद दामो धर्मा झबेती, गोविंद दामो धर्मा झबेती, गोविंद दामो धर्मा झबेती। इसलिए जो काम करती थी गोपियां हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी का
बस भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय दिया, बोले कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं। ठाकुर को बता था ये कलयुग का जीव ज्यादा कोई कष्ट कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए ठाकुर जी बोले कलयुग के बोले नाम आधारा और सुमरी सुमरी नर, बस हाथों में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा सोच कर करो और मुंह में ठाकुर जी का नाम बस। इसलिए शास्त्र में बताया बोले जिह्वा च बस वर्तिन सुलभम भगवत नामम, जिह्वा च बस वर्तिन, मतलब है भगवान ये नहीं बताए बोले देखो अगर तुम मेरे नाम करोगे ना तुमको पैसा देना पड़ेगा। ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं अगर तुम मेरे नाम लोगे मेरे को पैसा, ठाकुर जी बोलते नहीं ये फ्री है। कहते सुलभम भगवत नामम, जो भगवान का नाम भगवान अत्यंत सुलभ कर दिया, थोड़ी सी जिह्वा हिले ओट थोड़ा हिल जाए बोले ठाकुर का नाम निकलता है। बोले जिह्वा च बस वर्तिन, ये जिह्वा कैसे वो हमारी बस में रहता है, अगर ये जिह्वा को बोलो इधर उधर की बात करो फिर जिह्वा इधर उधर बात करता है, अगर ये जिह्वा को बोलो ठाकुर का नाम लो फिर जिह्वा क्या करता है ठाकुर का नाम ही लेता है। लेकिन भगवान कहते इतने कलयुग में मैं सुलभ बना दिया प्रभु का नाम, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है तभी लोग कलयुग में नरक जा रहे, बड़े आश्चर्य की बात है। और चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तरपिता, भगवान के कितने नाम है कृष्ण गोविंद दामोदर कितने नाम, फिर भगवान कलयुग में अपना नाम में सारे शक्ति रख दिया, इसलिए बोले हरि से बड़ा हरि का नाम है, है? फिर भगवान कहते फिर नियमित स्मरण न काल, भगवान ये भी नहीं बताया देखो जब केवल पवित्र हो तभी मेरा नाम ले सकते हो, ठाकुर ये भी नहीं बताया किसी अवस्था में नहीं ले सकते हो। अजामिली का नाम सुने हो, कौन कौन सुने अजामिली का नाम, देखो ये भागवत में बताया जिस समय अजामिली ने नाम लिया बोले देखो ठाकुर का नाम में कितने शक्ति इसमें दिखा रहे हैं, मतलब किसी तरह से अगर मुँह से प्रभु का नाम निकल गया कैसे कल्याण कर देता है। जिस समय अजामिली ने नाम लिया वो बिस्तरा में लेटा हुआ था, टाटी पेशाब कर रहा था, एकदम अपवित्र अवस्था में था, एकदम गंदी अवस्था में टाटी पेशाब कर रहा था, और उसने भगवान को नहीं बुलाया, किसको बुलाया था अपना बेटे को बुलाया, बेटे का नाम नारायण रखा था इसलिए बेटे को बुलाया, बोले कैसे बुलाया बोले चित्कार करते हुए, क्योंकि जमदूत आकर गले में काल फांस उलाकर खींचते हुए ले जा रहे थे, कष्ट उठा रहा था, बेटे को दूर से देखा, देख करके बेटा नारायण चित्कार करते हुए बोला, और उस समय बुद्धि विचलित था जैसे स्थिर बुद्धि से नहीं, लेकिन भगवान के नाम में ऐसे शक्ति है, ठाकुर का नाम में अगर किसी तरह से भी प्रभु का नाम को मुंह से किसी तरह से अगर निकल गया तो कहते ना मंगल भवन अमंगल हरी, ऐसे भगवान के नाम में ऐसे शक्ति। लेकिन एक भजन सुने होंगे बोले राम नाम की माला, जोर से बोलो कृष्ण नाम की माला जपे जा छोड़ी दिलवाला, कृष्ण नाम की माला जपे जा छोड़ी जपे जा छोड़ी दिलवाला, जपे जा छोड़ी दिलवाला, जपे जा छोड़ी दिलवाला, जपे जा छोड़ी जपी थी यशोदा माने
का कोई दिल्ली वाले नहीं है। कौन वाला है? दिल वाला मतलब क्या है? जिसका दिल मजबूत है। कमजोर वाले नहीं कर सकते, कमजोर वाले भक्ति नहीं कर सकते, दिल वाले। इसलिए कहते हैं माला जपी थी गौरा माँ ने, गौरा मतलब पार्वती। इसलिए आप पार्वती के आठ हाथ देखना, आठ हाथ में देखना एक हाथ में माला है, देखे एक हाथ में माला है। इसलिए पार्वती शंकर जी को एक बार पूछे, बोले प्रभु हम किसकी भक्ति करनी चाहिए? शंकर स्वयं कहते हैं, बोले राम, बोले हाँ राम रामे ती रमे ती रम रमे मनोरमे सहस्रा नाम आविस्तुल्यम श्री राम नाम बराने। पार्वती बड़ी सुंदरी है, बोले हे सुंदरी पार्वती, एक हजार विष्णु नाम लेने से जो फल मिलेगा, एक बार राम नाम से वो फल मिलेगा। तभी से माता पार्वती देखना एक हाथ में माला है, हैं एक हाथ में माला है। बोले माला जब भी थी जसोदा माँ, जसोदा मैया भी अब भागवत बढ़ के देखना, उन्होंने उनका जो भागुर ऋषि थे उनके कुलों को रही थे, उन्होंने भागुर ऋषि जब कृष्ण जन्म नहीं हुए तब उन्होंने ऋषि से बोले मेरा बेटा कैसे होगा। तब भागुर ऋषि ने अब पढ़कर देखना, भागुर ऋषि उनको मंत्र दिया, भगवान नारायण के मंत्र दिया, बोले ये मंत्र जप करो घर में बेटा जब होगा। इसलिए जसोदा माँ ने जो वो मंत्र जप की तो उन्होंने मंत्र के प्रभाव से देखा है, श्री नंद बाबा ने देखा कि दिव्य ज्योति मेरे अंदर में प्रवेश की और मेरे हृदय से जाकर जसोदा के हृदय में प्रवेश की, फिर कृष्ण घर में गोपाल जन्म हुई। इसलिए माला जब भी थी अंजना माँ, अब मिल गया, बोलो मिल गया बजरंगी वाला हनुमान जी। हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं? रघुपति राघव राजा राम पति तपावन, यही करते हैं ना। देखो कहते तो भैया जो दिल वाले वही कर सकते हैं, जिसका दिल कमजोरी है ना वो नहीं कर सकते, जो दिल वाले वही। इसलिए हमारे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जो व्यक्ति प्रभु का नाम लेते हैं ना उसको तीन काम हो जाता है। कितना काम हो जाता है? कौन 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 बोला किसको याद है? बोलो क्या काम है? हाँ ये रूप गोस्वामी देखो कितने महत्व है। भगवान का नाम लेते ही तीन काम हो जाता है। पहला काम तो होता है जमपुर में जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते। चित्रगुप्त कौन है? जो हमारी लिखा जोखा करता है, हमने जीवन में क्या क्या कर्म किया है और कर्म का जो लिखा जोखा करता है। लेकिन ठाकुर का नाम में कितनी शक्ति, जब प्रभु का नाम कोई जप करना शुरू करे, जब महाराज चित्रगुप्त बोले भैया रजिस्टर ले आ, बोले क्यों? बोले इसका नाम काट दो यहाँ से और ये जमपुर नहीं आएगा। इसलिए देखना भागवत, हम तो अब तो हिंदू है, देखना मरते समय जब कंधे पर चार लोग ले जाते क्या बोलते बोलते ले जाते, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा, यही बोलते हैं ना। बेटा जितने तुमने राम और कृष्ण का नाम लिया तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ अगड़ुम बगड़ुम जो कुछ किए हो, एक सुई धागा भी यहाँ से नहीं ले जा रहे हैं। पत्नी जाएगी तो रो रो कर दरवाजा तक जाएगी, परिवार स्मशान तक, इसको आगे तुम्हारी कोई भी काम में आने वाले नहीं, सब यहीं के धरा धरा जाएगी। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। रूप गोस्वामी कह रहे हैं अगर प्रभु का नाम लेना जब शुरू करोगे ना, चित्रगुप्त का वहाँ पर कापी से तुम्हारे नाम कट जाएगी। दूसरा नाम काम क्या होता है? गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को बोलती है, बोले रजिस्टर ले आ। बोले क्यों? बोले ये व्यक्ति का नाम रजिस्टर में चढ़ा दो। क्यों? प्रभु का नाम ले रहा है ना, सीधा गोलोक वृंदावन आएगा है। लेकिन तीसरा काम पितामह ब्रह्मा, ब्रह्म लोक में पितामह ब्रह्मा जी आरती का थाला सजाना शुरू कर देते। बोले किस लिए? बोले ये हरि का नाम ले रहा है ना, जब भूर भूगा सब पार हो तब ये ब्रह्म लोक को पार करेगा, उसको रास्ता में मैं उसको आरती में उतारूंगा। मतलब देखो प्रभु की नाम में कितने शक्ति, ठाकुर का नाम जप करने का कितने शक्ति है, हैं? इसलिए जगत में वही व्यक्ति उतना बड़ा जगत में बना है जो जितने प्रभु का नाम जप किया है, ठाकुर जी की नाम जप किए हैं, ठीक है ना। इसलिए खूब भगवान का नाम जप करो, प्रभु का भक्ति करो और जीवन में सुखी रहो और जीवन में शांति में रहो, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ देखो जो कल है ना एक विशेष तिथि है, आज भी बहुत बड़ा तिथि है हमारे संप्रदाय में, दो बहुत बड़े संतों का, जो गदाधर पंडित जो राधा रानी है, जो राधा रानी का अवतार आज उनका तिरुभाव है, और जो भक्ति विनोद ठाकुर जिसने भक्ति की धारा लाए, आज तिथि मंदिर में सबके सब आना, शाम को आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था भी है, इसलिए आना। और जो कल है
कल अच्छा अतिथि जगन्नाथ जी परसों मंदिर में आएंगे, वृंदावन द्वारका छोड़ के वृंदावन आएंगे, इसलिए आने से पहले महाप्रभु भक्तों को लेकर के मंदिर साफ करते थे। ठाकुर जी का मंदिर, ठाकुर का मंदिर नहीं वो राधा रानी का कुंज महल है, इसलिए अभी कृष्ण आएंगे, राधा रानी कुंज को साफ करके कुंज को बनाती हैं, जैसे कृष्ण के लिए राधा रानी कुंज बनाती हैं, इसलिए जो मंदिर कुंज है, इसलिए हम लोग कल सवेरे 9 बजे आओगे आओगे तो थोड़ा मंदिर साफ करेंगे। महाप्रभु जो मंदिर मार्जन करते हैं, मंदिर नहीं अपना हृदय को साफ करते हैं। हृदय में ठाकुर कब बैठेंगे? गंदे हृदय में तो ठाकुर बैठ नहीं सकते हैं, जब हृदय हमारे पवित्र हो जाएगा बैठेंगे। इसलिए मंदिर मार्जन नहीं, क्या है राधा रानी कुंज महल को साफ करना। और जो परसों है, कहते ये पृथ्वी का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, पृथ्वी में इतने लोग, इतने बड़े ठाकुर और इतना रथ कहीं नहीं होता, वो जगन्नाथ जी रथ यात्रा है जगन्नाथपुरी में है, इसलिए जगन्नाथ जी रथ यात्रा है। उसी दिन तो रथ यात्रा में कौन गए हो, कौन कौन गए रथ यात्रा में? अरे जगन्नाथ जी रथ यात्रा, तुम गए तीनों गए। अब कौन जाना चाहते हो बोलो, एक बार ले जाए। देखो जगन्नाथ जी रथ यात्रा देखने का बड़ा महत्व है। शास्त्र ने बताया अगर एक बार जगन्नाथपुरी में रथ के ऊपर में जगन्नाथ जी को दर्शन कर लेना, क्या तो उसका दो बार संसार में आना नहीं पड़ता, उसको संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता है। कहते रथे वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते, इसलिए जीवन में एक बार जगन्नाथपुरी जानी चाहिए, जगन्नाथ जी रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को दर्शन करनी चाहिए। इसलिए एक बार आप सबको हम ले जाएंगे, आप सबको एक बार कम से कम एक बार आपको ले जाएंगे। सबसे बड़ा मंदिर अगर जगन्नाथ मंदिर है, सबसे बड़ा अगर रथ कहीं बनता है पूरी में रथ है, अगर सबसे बड़ा ठाकुर कोई है तो देखोगे इतने बड़े ठाकुर कहीं नहीं पृथ्वी में, उसको कहते बड़ा ठाकुर कहते हैं। और अब रोड देखोगे ना, जो रोड देखोगे पृथ्वी में सबसे बड़ा रोड देखोगे वही रोड है। अब पृथ्वी में अगर सबसे ज़्यादा कहीं ठाकुर को एक साथ में खाना भोग लगता है पूरी में, देखोगे इतने बड़े नहीं देखोगे कहीं, एक साथ में कितने उनको क्विंटल ठाकुर को दाल सब्जी लगता है। कहते पृथ्वी का सबसे बड़ा होटल श्री जगन्नाथ मंदिर आनंद बाजार है, इसलिए एक बार ठाकुर जी को जरूर दर्शन करने जाना, ठीक है। ऐसे इस बार तो करुणा आई है, इसलिए वहाँ पर केवल पंडित लोग ही खींचते हैं, लेकिन और आम व्यक्ति को नहीं देंगे। अगर ठाकुर का आशीर्वाद रहा तो अगले साल अगर करुणा थोड़ा सही हो जाएगा ना, अब सबको ले चलेंगे। कौन कौन जाएगा? हाथ उठाओ, हाथ नहीं उठाओगे ना ठाकुर नहीं ले जाएंगे। तो उनके तरफ में एक कदम बढ़ाओ, ठाकुर 10 कदम बढ़ाते हैं। केवल अभी इच्छा कर दिया ना, आधा तो जाना तुम्हारा हो गया है। जगन्नाथपुरी में जो हाथ उठा लिया, तुम्हारी आधा जाना हो गया वहाँ पर। भक्ति में ये भक्ति का ये विशेष महत्व है, अगर तुम्हारी केवल इच्छा कर दिया हमें जाने की, आधा फुल हो गया तुम्हारी, आधा तुम्हारी जाना हो गया, आधा बाकी रह गया। अरे आधा जगन्नाथ जी ले जाएंगे, ठीक है। हाँ, इसलिए अगली बार आप सबको हम तैयार कर रखना, पति से जो पैसा मिलता है ना थोड़ा तो बचा बचा कर रखना, थोड़े से छुपा छुपा कर रखना अगली बार रथ यात्रा में जाने के लिए, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। बोले हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सब ताली बजाते हो, राम राम हरे हरे।
कर सिंह देव की सबरी कर गौर हरि की। बच्चों की मैरिज और उसकी, हाँ इनका मैरिज है, इधर आ जाओ आशीर्वाद इधर सामने आ जाओ, बहू बहू को बुला लो इधर, इधर आ जाओ, सबका हाथ में एक फूल दे दो, फूल है छोटा फूल है, जा बैठ जाओ यहाँ बैठ जाओ, इसको ले लो, फूल कहाँ है ले आओ, एक्स्ट्रा माला रखे हो, माला ले, माला है ले, ले दो माला, सब हाथ में फूल दे दिया फटाफट, तुम मेरे को क्या बोलते तुम भी आ, एक ले लो मानी, तुम तुम कहाँ घूम रहे हो, इसका ना ठाकुर के चरण में एक बार छुला कर, जब ठाकुर के चरण में ये दोनों फूल माला में ठाकुर के चरण में छुला करते हैं, जब ले ठाकुर के चरण में छुला आप बोलो मेरे साथ में, बोलो ओम ओम स्वस्ति नो स्वस्ति नो गोविंद गोविंद स्वस्ति नो स्वस्ति नो अच्युतानंद अच्युतानंद स्वस्ति नो स्वस्ति नो वासुदेव वासुदेव विष्णु विष्णु दधातु दधातु स्वस्ति नो स्वस्ति नो वैनतेयो वैनतेयो स्वस्ति नो स्वस्ति नो अंजना सुत अंजना सुत मनोर भागवत दधातु दधातु स्वस्ति 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 सुमंगले केशव सुमंगले केशव महान श्री कृष्ण महान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वर दधातु दधातु माधव माधव श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु नित्यानंद अद्वैत श्री अद्वैत श्रीवासादि श्री गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे पृथ्वीराज महाराज की, सर्वविघ्न विनाशन कर नृसिंह देव की, सपरि कर गौर हरि की, सचिन सचिनंदन गौर हरि की, सपरि कर प्रभुपाद की, गुरुदेव की जय, जय श्री राधे। हम लोग अपना हृदय से ये दोनों का आशीर्वाद दो, दोनों खूब मिलजुल करके भक्ति करें और भगवान की सेवा करें, साधु संत की सेवा करें। हम तो ऐसे प्रार्थना करेंगे ऐसे बेटा और बहू सबको मिलेगी, देखो इनका जो बहू ये रोज कथा सुनने आती है, देखो तिलक लगाती है, गले में तुलसी कंठी है, अकेले नहीं अपने बच्चों को भी लेकर के आती है, इनको अगर भी अच्छे संस्कार पड़े बच्चे भी आगे भगवान की भक्ति में जाए। देखो ऐसे बहुत मिलना बहुत भाग्य से, हम लोगों को कुछ लगता होगा लेकिन हम जो शास्त्र पढ़ करके जानते हैं
जहाँ भगवान नरसिंहदेव स्वयं कहते हैं जिस वंश में एक बेटा प्रभु की भक्ति में लग जाए, नरसिंहदेव स्वयं कहते हैं बोले उसके 21 पीढ़ी उधार हो जाता है। जितने पूर्वज लोग नाचना शुरू कर देते हैं ये पृथ्वी धन्य हो जाती है। जिस पिता माता की कोख से वो बच्चा जन्म लेता है वो पिता माता की कोख धन्य हो जाती है। जिस गर्भ से भक्ति करने वाले बेटे और बहू जन्म ले। इसलिए हम तो ठाकुर को प्रार्थना करेंगे ठाकुर सबको बेटे बहू ऐसे दे, जिस घर में बेटे बहू ऐसे हो जाए ना उनका परिवार वो घर नहीं घर हो भगवान का धाम वृंदावन हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है इनकी पूर्व जन्म की कोई बहुत पुण्य होगा जो घर में ऐसी बेटी आई है जो गले में तुलसी कंठी श्लोक याद करती है रोज और वहाँ आकर के रोज रोज हम श्लोक सुनाती है गीता भागवत रामायण। इसलिए हम लोग इनको हृदय से आशीर्वाद दो, खूब सुखी में रहे और खूब भगवान की भक्ति करे और खूब भगवान की सेवा करें। ठीक है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, महाराज की जय, गौर प्रेमानंद फोटो लेना इधर भी देखो दो, तुम क्या करोगे? तो तुम्हारा फोटो लिया कि नहीं? इसका उसका बेटी तुम्हारी बेटी कहाँ इधर आ जा, तुम इधर आ जा, तुम इधर आ जा, इधर आ जा, भैया को दर्शन करेगा बेटा, तुम इधर आ जा, आप भी बोले गिरिराज महाराज की जय, बोले नृसिंह भगवान की जय, जय आप घर में जब ऐसे बच्चों का कोई तिथि हो ना भक्तों को बुलाओ, भक्तों को बुलाकर घर में कीर्तन करवाओ है, भगवान की सत्संग कराओ जिसको बच्चे को बड़े अच्छे संस्कार पड़े। लेकिन दुनिया अभी से ऐसे हो गया ना पता नहीं कितना बोतलों को डुबा देते हैं, शराब पिलाते हैं और उल्टा पुल्टा मांस अंडा फंडा सब पिलाते हैं। एक संत कहते थे जिसके उद्देश्य में ये शराब पिलाए होंगे, जिसके उद्देश्य में अंडा मांस खिलाओगे, संत बहुत बड़े संत कह रहे थे अगर वो बच्चा का 100 साल होना उसी दिन उसकी 50 साल मुकर आएगा, क्योंकि जिसके उद्देश्य में सब गंदा काम होता है। इसलिए भगवान कीर्तन भजन करो और सुखी रहो। ठीक है बोलो वृंदावन बिहारी महाप्रसाद की उधर एक मेरे साथ एक मेरे साथ हो गया, कहाँ प्रसाद भाई की व्यवस्था करो कि फूल फूल ले लो आप भी आशीर्वाद। सब क्या तो फोटो लिया लेकिन घर का मालिक का ही फोटो लिया। भी बुला दो बाहर है आशीर्वाद ले लिया महाराज जी, दिलवाओ आशीर्वाद दिलवाओ इन्हें। ये लोग कौन है? ये
हमारे बच्चे के दोस्त हैं। आप बच्चे के दोस्त हैं? हाँ, वो भी है। और हमारे बच्चे हैं प्रणाम कर लो। गांधीनगर लिया। हाँ, हो गया।